हेलो बच्चों, लेट्स सी डॉट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सी, टू रेजिस्टर्स 400 एंड 800 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी। इट इज डिजायर्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। एन एमीटर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू फॉर दिस पर्पस। व्हाट विल बी द रेंज इन द एमीटर? सिमिलरली, इफ वोल्ट मीटर 1000 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टर, व्हाट विल बी द रीडिंग इन वोल्ट मीटर? सो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 400 ओम और 800 ओम, इस तरीके से दो रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू आउट एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट आया है ताकि हम इस आए करंट को मेजर कर सकें। तो हम बताना है कि रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होंगी। और यदि उसी तरीके से हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन करें कि 400 ओम के अक्रॉस में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें ऑफ रेजिस्टेंस 10,000 ओम्स, सो उस दौरान द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम पोटेंशियल पोटेंशियल डिवाइडर रूल का यूज करेंगे कि यदि आपको दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड दिए गए हैं और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया हो एंड अक्रॉस दिस आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना हो और ये रेजिस्टेंस कुछ R1 एंड R2 की तरह हो। सो बाय यूजिंग पोटेंशियल डिवाइडर रूल वी कैन जस्ट राइट कि वी आउट मस्ट बी इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द इनपुट अप्लाइड वोल्टेज। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। और साथ ही साथ इसको हम मानेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे ओम्स का, विच इज स्टेट दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है R, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड आई वी द करंट वी पोटेंशियल ये। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्किट हमें क्या करना है, मेजर करना है करंट आई को। और चूंकि रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है, सो हम सिंपली इनका सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो RS विल बी इक्वल्स टू 600 प्लस में 800 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1400 ओहम्स। नाउ बाय यूजिंग दी ओहम्स लॉ, ये जो करंट होगा आई, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय दी इक्वलेंट रेजिस्टेंस। सो वी कितना है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किटरी हो जाएगा 1400 ओहम। बट चूंकि यहाँ पर एमीटर की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है 10 ओहम, सो वो भी इसमें ऐड अप होंगी ताकि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बने। सो उसको भी हमें ऐड करना होगा, दैट इज 1400 प्लस में 18। सो नाउ द करंट रेटिंग विल कम्स आउट इक्वल्स 4.255 इंटू 10^-3 एम्पियर्स। और या फिर हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू 4.255 मिलियन। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम सेकंड सर्किटरी की बात करेंगे कि हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना है। सो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। सो देखिए, मुझे किसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करना है, इस 400 ओम के अक्रॉस में, वाइल इनपुट वोल्टेज यानी कि वी आई ये हो जाएगा और ये वी आउट होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम पोटेंशियल डिवाइडर रूल का यूज करते हुए हम सिंपली लिख सकते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर विल गेट V1, दिस विल बी इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 800, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज दैट इज 6। सो इट विल कम्स अराउंड ट्वाइस ऑफ V। नाउ अब यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है उसकी एक खुद की भी रेजिस्टेंस है जो कि 10,000 की इक्वल है। सो इस वजह से जो पढ़ने वाला इफेक्ट है वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो अब हम बोलेंगे कि आफ्टर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर
यानी वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड वो क्या हो जाएंगी, लेट्स से आर ए बी, ए एंड बी मीन्स टू से आई एम जस्ट टेकिंग हियर द पॉइंट ए बी, सो आर ए बी की बिटवीन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगी। सो देखिए वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस और ये 400 ओम रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ जाएंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, सो इट विल बी गोज टू 400 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 10,000, सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 384.6 ओहम्स। सो नाउ इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस मीजर्ड बाय द वोल्टमीटर, सो हम मानेंगे कि जो इनिशियल था वो वी आई था एंड नाउ आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्टमीटर जो फाइनल रीडिंग होगी वी एफ दिस विल बी इक्वल। सो इस केस में बाय यूजिंग द सेम पोटेंशियल डिवाइडर हम आप किसके अक्रॉस में पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं इस इक्विवेलेंट के, सो आर टू की जगह पर अब क्या हो जाएगा 384.6 डिवाइडेड बाय आर वन तो सेम ही रहेगा दैट इज 800 प्लस में आर टू 384.6 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज। ठीक है हम यहाँ पर ये देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो नाउ द रीडिंग कम्स टू 1.95 वोल्ट। सो इनिशियली 2 वोल्ट आया था बट नाउ इट्स कमिंग टू बी 1.9 वोल्ट, सो देयरफॉर द एरर इन मेजरमेंट विल कम्स वी एट माइनस ऑफ वी एफ दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1.95 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट। सो देखिए इतना मेजरमेंट एरर आ जाएगा और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये जो 2 वोल्ट आया है दिस इज व्हाट द इनिशियल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड दिस इज व्हाट द फाइनल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है और साथ साथ हमने एरर को भी कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बोला गया था व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, सो देखिए रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर वो ये 2 वोल्ट की इक्वल हो जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर फिर क्या हो जाएंगी 1.95 वोल्ट की। सो जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड पार्ट के लिए वो ये 1.95 वोल्ट की इक्वल होगा। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।